सोनभद्र से है, जहां दुर्दी से भाजपा विधायक राम दुलारी कोर्ट को एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 वर्ष की दी सजा, 10 लाख का जुर्माना। 12 दिसंबर के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए थे दुर्दी विधानसभा से भाजपा विधायक राम दुलारी कोर्ट। 15 दिसंबर को आज सजा पर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर किया था। दुर्दी विधायक के रेप के मामले में 12 दिसंबर को कोर्ट ने भेज दिया था जेल मई पास को, और रेप के मामले में 4 नवंबर 2014 से चल रहा है मुकदमा। प्रधानपति रहते हुए 2014 में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप था। वहीं आईपीएस की धारा 376 व 201 के मामले में कोर्ट ने विधायक को 12 दिसंबर को दिया था दोषी करार। दुर्दी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक राम गुजार कोर्ट फैसला आने पर वादी पीड़ित के भाई ने कहा कि आज न्याय की हुई जीत। 8 दिसंबर को अभियोजन की तरफ से सत्य प्रकाश तिवारी और विकास साक ने किया था बहस। सोनभद्र के एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक के खिलाफ सुनाया फैसला। आज राम दुलार गोड़ जो दुदी के विधायक हैं, उनको 25 वर्ष के कठोर कारावास, जो सश्रम कारावास है। राम दुलार गोड़ जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए थे, उसे आज एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश महोदय के द्वारा 25 वर्ष का कठिन कारावास यानी सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, और 10 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया है, जो यह 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। राम दुलार गोड़ ने 4 नवंबर 2014 को अपने गांव के एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके लिए 9 सालों तक लगातार मुकदमे चले न्यायालय में, 300 से अधिक तारीखें चली। इसके बाद अंतोगत्वा आज न्यायालय से फैसला आया हुआ है। इस फैसले से पीड़ित के जो भाई हैं और पीड़ित का जो परिवार है, पूर्णतया संतुष्ट है। पीड़िता को पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए जो दिया गया, उसकी जो उसके साथ घटना हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक तरह से उसे पुनर्वास करके, उसकी एक बच्ची है, उसका क्या हुआ? पीड़िता जो राम दुलार गोड़ के नाजायज संबंधों के कारण पीड़िता को एक बच्ची पैदा हुई है, जो वर्तमान समय पीड़िता के साथ है। उस पीड़िता के लिए न्यायालय ने तो कोई अलग से कंपनसेशन नहीं दिया है। मुझे लगता है कि वर्तमान समय जो प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, बेटी बचाओ की बात करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिनके विधायक हैं राम दुलार जी, इस अपराध के लिए वो दोषी पाए गए हैं, तो निश्चित रूप से पीड़िता से जो बेटी पैदा हुई है और इनके विधायक के ऊपर आरोप है कि यही जो बलात्कारी, जिसे न्यायालय ने साबित किया है, ये विधायक जी उसका देखरेख करें, या उत्तर प्रदेश की सरकार उस बेटी को गोद ले और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाए। इस फैसले से विधायक की सदस्यता पर क्या असर पड़ेगा? इस फैसले से विधायक की सदस्यता चली जाएगी। 2 वर्ष तक के सजा का प्राविधान है, जिसमें 2 वर्ष सजा होने के बाद विधायकी नहीं रह पाती है, उसे अपनी सीट खोनी पड़ती है, और इनको 25 वर्ष की सजा हुई है, तो निश्चित रूप से इनकी विधायकी तो अब नहीं रह पाएगी। इसको आजीवन कारावास माना जाएगा या फिर 25 25 वर्ष माना जाएगा। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि टिल डेथ, यानी कि उसकी अंतिम बॉडी आती है, ये 25 वर्ष का सश्रम कारावास है, जो कठोर कारावास के रूप में इसे देखा। कहाँ से पड़ेगा आपका? रास पहरे। क्या नाम पड़ेगा आपका? बंधुरा। पीड़िता के क्या लगते हैं? पिताजी, जो आज न्यायालय के द्वारा जो है सजा का निर्धारण हुआ है, उसे कितना खुश हैं आप? हाँ, हम बहुत खुशहाली पर हैं, हमको बहुत अच्छा खुशी है। जी जी, आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे मतलब कि अब वो तो सजा से खुश है ना? सजा से खुश है, एकदम भरपूर खुश है, 100% खुश है जी, क्योंकि 9 साल हम लोग केस लड़े जी, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। पूछ लिया देवगन के नाम भी। इस केस में कौन पैरवी कर रहा था आपकी तरफ से? मतलब से मतलब राम जी आवान है जी, और विकास है, दो अच्छा पैरवी किए, इसलिए तब वो आया था जी जी।
संतोष है, हमको बहुत अच्छा लगा। 25 साल का आजीवन कारावास है, 10 लाख रुपया जुर्माना। इस मुकदमा लड़ने जब तक मुकदमा आपने दर्ज कराया और आप तक सजा होने तक कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हमको बहुत दिक्कत सामना पड़ा करना पड़ा, बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा से ज्यादा। किस तरह से परेशान? बोल रहा था अगर सुलह कर लो नहीं जान से मारते हैं, बहुत धमकी दे रहा। अब जज से आप लोगों को कोई सुरक्षा वगैरह भी मिला है? मिला है। लोगों ने जो आरोप लगाया था जान से मारने और धमकी देने की, तो उस मामले में कुछ कार्रवाई हुई भी पुलिस की? हाँ, कार्रवाई हो गई है, पुलिस मौजूद। अच्छा, पुलिस है साथ। वहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था भी आप लोगों को दिया गया है कि नहीं? दिया गया। एक बार कह दिली तो कई बार करते हो, ये नहीं। क्या है मामला, ये क्या हुई सजा हमको? जब पॉक्सो एक्ट का मामला था 376 और 5L/6 रिफ्लेक्ट बलात्कार का मुकदमा था, जो 4/11/14 की घटना थी। इसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ था, जिसमें आज न्यायालय ने जो है अपना जजमेंट सुनाया। इसमें उनको 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, वह जुर्माना पुनर्वास के लिए पीड़िता को दिया। जैसे उसकी एक बच्ची भी बताई जा रही थी कि जिसकी लड़की मतलब जो पीड़िता थी उसकी बच्ची थी। तो मामला यहाँ साबित नहीं हो पाया अदालत में, उसके संबंध में कुछ नहीं आया। और पूरे उत्तरावली के उसमें देख करके माननीय जज साहब ने उनको पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया और 25 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना। उनको जुर्माना की राशि कब तक देना है? जुर्माना की राशि तत्काल पीड़िता को दे दी जाएगी उसके पुनर्वास के लिए। यदि नहीं दे पाए तो उसके संबंध कोई नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अदालत का प्रक्रिया है, उनको देना है।